बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर अलमास तलाई मकवी खास खासल खास जोयादार हर्बल शादी कोस प्लस कस्तूरी शादी कोस प्लस गोल्ड खासल खास थेरापी मर्दाना इमराज मखसूसा के तमाम नकायस का मकम्मल इलाज। अपनी कुदरती ताकत को कुदरती तौर पर बहाल करें। ऐसा हैरत अंगेज फार्मूला जिसने मायूस लोगों की जिंदगी में नई कशिश पैदा कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। नाज़रीन, मर्दों के हक में औरतों के बरखिलाफ फितरत ने यह अतिया मरहमत की है कि वह खसूसी मर्दाना कुतों और सलाहितों को उम्र के तवील अरसे तक बरकरार रख सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में मुख्तलिफ उम्र रखने वाले अफराद की वजूहत की बिना पर इन अहम सलाहितों की कमी और एहतियात की शिकायत करते नजर आते हैं। कम उम्र में लज्जत जमा मुजनी या गुलामबाजी जैसी कभी हरकत मुर्तकब होकर मद हजार जरियान कसरत इतलाम सुरत अंजाल जकावत हेज जैसे इमराज का शिकार हो जाते हैं, जिसके बायस मद हजार को अजवाजी तलकात में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मर्दों के इन तमाम इमराज और वजूहत को मद्देनजर रखते हुए तासीर दोहाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जिसट के शोबे रिसर्च में हुक्मा डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म के जड़ी बूटियों पर रिसर्च और तजुर्बात के बाद ऐसा फार्मूला मुतारफ कराया जिसने मर्दों के अजवाजी जिंदगी की खुशियों में हायल रुकावटों और बीमारियों को जड़ से खत्म करके मर्दों की जाहिर शुदा ताकत कुव्वत और तमन्नाई को मुस्तकिल सलाहियत में तब्दील किया। इस फार्मूले को तासीर अलमास लाई मकवी खास खासल खास जोयादार हर्बल शादी कोर्स प्लस कस्तूरी शादी कोर्स प्लस गोल्ड खासल खास थेरापी का नाम दिया गया है। ये कोर्स कमजोर मद हजार को ताकत कुव्वत और तमन्नाई और ताकत बहम पहुंचाकर कुव्वत मुदाफत में इजाफा करता है। इनकी सलाहियतें न सिर्फ ये कि बेदार होती हैं बल्कि इनकी कदकदी में भी इजाफा होता है। जिस्मानी और असाबी कमजोरी या महरूमी से मुकम्मल निजात के लिए मौजूद तरीन फार्मूला ये कोर्स मर्दाना अज़ा के रगों और पुट्ठों को मजबूत और ताकतवर बनाता है। इसके चंद रोज के इस्तेमाल से एक नई कुव्वत पैदा होती है, जिनसी कमजोरी को दूर करके नया जोश और उमंग पैदा करता है। कम उम्री में मुसलसल मुजनी करने या हाथ की रगड़ लगने से उसे खास के असाब उजलात और रगें कमजोर हो जाती हैं, जिसके बायस उसे तनासी में बहुत से नुक्स वाक़ हो जाते हैं, जैसे कि उसे तनासी का पतलापन टेढ़ापन कज्जी कुताई बारीकी नाहमवारी उसे खास का जड़ से कमजोर होना उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर उसे खास की रगों का उबार पैदा होना वगैरह। इन तमाम खामियों की वजह से उसे तनासी नरम और ढीला हो जाता है और मुकम्मल इंतशार न होने की वजह से मर्द अपने जीवन साथी को मुतमिन नहीं कर पाता। तासीर दोहराने के इस कोर्स के इस्तेमाल से उसे तनासर की तमाम खराबियों का जड़ से खात्मा हो जाता है। ये आपको दे ताकत कुव्वत और तमन्नाई के लम्हात जिंदगी हमेशा के लिए आपके ताबे हो जाएंगे। ये जो खास में सख्ती और देर पर रुकावट पैदा करे जिससे नर और मादा के मिलाप के वक्त मकम्मल इंतशार पैदा होता है। इस कोर्स में ऐसे अज़ा को शामिल किया गया है जो कि जल्द असर दिखाकर खोई मर्दाना ताकत को फौरी तौर पर बहाल करता है। ये कोर्स तमाम जिनसी शिकायत को हैरत अंगेज तौर पर रफा करके आपको मर्दाना ताकत कुव्वत और तमन्नाई से मालामाल करता है। ये आला दर्जा का अज़ाए रेसा और मकवी बा है। इसके इस्तेमाल से चंद ही रोज में तमाम शहवानी निज़ाम को तकवीत पहुंचती है जिससे तबीयत जमा के लिए बेकरार हो जाती है। उसे खास की तरफ दौरान खून तेज हो जाता है जिससे उसे खास में गजब की तेजी तुमदई और सख्ती आने लगती है जिससे भरपूर जिनसी फेर की अंजामदेही होती है। सूरत अंजाल का कला कमा करके इस कदर इमसाक रुकावट पैदा करता है। इस कोर्स को अगर उम्र सीधा शख्स कुछ अर्सा खा ले तो एक रात भी मुबाशत किए बगैर सबर नहीं कर सकता। मादा तौलीद की क्वालिटी और मिकदार को बढ़ाकर इसे हर दर्जा गाढ़ा करें जिससे अंजाल के वक्त लज्जत महसूस होती है। कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल दुआ है। ये कम होती हुई ख्वाहिशात को पूरी तरह बेदार करे। इस कोर्स की खास बात यह है ये फौरी तौर पर मुअस्सर होकर आपकी मर्जी के मुताबिक आपके जज्बात की तकमील करता है और दोबारा कभी कमजोरी नहीं होने देता। ये ख्वाहिशात नफसानी को कंट्रोल करके सेहतमंद ख्वाहिश में इजाफा करता है। जिनसी अमराज और उज्व मखसूसा पर इसका नुमाया असर भरपूर जिनसी अहलियत बख्शता है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो ये कोर्स वज़ीरे आज़म मंगवा सकते हैं। इसके मतलब मजीद मालूम और रहनमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दोहाना ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।